उस वक्त संजू सैमसन भी घुटन महसूस करने लगे और इंडोर प्रैक्टिस सेशन को छोड़कर बाहर चले गए। जब उन्होंने देखा कि किस तरह केएल राहुल, जो कि अभी अभी रिकवर होकर वापस लौटे हैं, उनके साथ राजा महाराजाओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वहीं संजू सैमसन के साथ कोई ढंग से बात तक नहीं कर रहा। लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आई और फिर वो तमाशा खड़ा हुआ, जानकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्त, अगर स्टैट्स उठाकर देख लिया जाए तो केएल राहुल हो, ईशान किशन हो या फिर सूर्य कुमार यादव, ये खिलाड़ी दूर दूर तक संजू सैमसन के आसपास भी दिखाई नहीं देते। पर देखिए बीसीसीआई मौका कैसे दे रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक इतना अजीबोगरीब सिलेक्शन नहीं हुआ, पर जब से जय शाह बीसीसीआई की गद्दी पर बैठे हैं तब से पूरा भारतीय क्रिकेट गर्त पर चला गया, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बहरहाल यह भेदभावपूर्ण माहौल देखकर संजू सैमसन आज नेट्स छोड़कर ही बाहर चले गए, पर निरंकुशता तो देखिए किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।